हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास रिसर्च मेथडोलॉजी से एक डाउट आया हुआ है. देखते हैं क्या क्वेश्चन है. विच ऑफ द सेट्स ऑफ द एक्टिविटीज बेस्ट इंडिकेट द साइक्लिक नेचर ऑफ एक्शन रिसर्च स्ट्रेटजी. ऑप्शन ए रिफ्लेक्ट ऑब्जर्व प्लान एक्ट, ऑप्शन बी ऑब्जर्व एक्ट रिफ्लेक्ट प्लान, ऑप्शन सी एक्ट प्लान ऑब्जर्व रिफ्लेक्ट एंड ऑप्शन डी प्लान एक्ट ऑब्जर्व रिफ्लेक्ट. तो पहले हम जानते हैं कि एक्शन रिसर्च होता क्या है. एक्शन रिसर्च वो रिसर्च होती है जिसमें आप एक्शन और उसके इम्पैक्ट की स्टडी करते हैं. जैसे कि दिल्ली में आपने सुना होगा ऑड इवन रूल लगा था, तो ये एक्शन दिया गया था दिल्ली के बढ़ते एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए. तो अब इस तरह की अब इस पे कोई अगर रिसर्च की जाए कि जो हमने एक्शन लिया ऑड इवन रूल पॉलिसी, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ एयर पोल्यूशन पे, यानी कि एक्शन इम्पैक्ट की स्टडी. तो अब ये साइक्लिकल नेचर की होती है क्योंकि आपको एक बार में ये खत्म नहीं हो जाती है. इसमें आप एक्शन लेते हैं, उसके बाद उसका इम्पैक्ट पढ़ते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसके बेसिस पे मॉडिफाइड एक्शंस लेते हैं और उसके बेसिस पे आप उसको फिर ऑब्जर्व करते हैं, और इसी तरीके से ये एक साइक्लिकल नेचर फॉलो करती है. तो लेट्स सी हमारे ऑप्शंस में सबसे सही ऑप्शन कौन सा है. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी प्लान एक्ट ऑब्जर्व रिफ्लेक्ट. यानी कि अब ऑड इवन का एग्जाम्पल ही ले लीजिए. तो गवर्नमेंट को पता चला कि एयर पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है, तो उन्होंने प्लान किया होगा कि ठीक है हम ऑड इवन को एक पॉलिसी लाएंगे जिसमें हम ऐसे करेंगे कि एक दिन ऑड गाड़ियां चले एक दिन इवन गाड़ियां चले, इस तरीके की उन्होंने पहले प्लानिंग की होगी. अब इसको एक्ट किया यानी कि अब इसको इम्प्लीमेंट किया, इन्होंने नोटिस निकाला, लोगों को इन्फॉर्म किया, लोगों को इन्फॉर्म कैसे करना है वो सब की क्या क्या सोर्सेज हैं, उस तरीके से उन्होंने उस पर एक्शन लिया. अब इन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये पॉलिसी हमने बनाई, हमने इम्प्लीमेंट की, इसका कोई फायदा हुआ या कोई सब्सटेंशियल फायदा हुआ या नहीं, कि लोगों को परेशानी ही ज्यादा हो रही है और हमें एयर पोल्यूशन में कोई खास फायदा दिख रहा है या नहीं. तो हमने फिर ऑब्जर्व किया इसका इम्पैक्ट और फिर हम इस पर रिफ्लेक्ट करते हैं कि इस पर चिंतन करते हैं कि इस पॉलिसी को और बेहतर कैसे बना सकते हैं कि लोगों की परेशानियां भी कम हो जाएं और साथ में एयर पोल्यूशन पे इसका इम्पैक्ट भी और बढ़ जाए. तो इस तरीके से हम फिर से उसमें मॉडिफिकेशंस करके प्लान करते हैं एक मॉडिफाइड पॉलिसी, फिर उस पर एक्ट करते हैं, फिर उसको ऑब्जर्व करते हैं और फिर ऐसे इसको रिफ्लेक्ट करते हैं. तो ये एक इसका साइक्लिकल नेचर है एक्शन रिसर्च स्ट्रेटजी का. तो आई होप फ्रेंड्स आपका डाउट क्लियर हो गया होगा. थैंक यू.